औरंगाबाद के मदनपुर में डायरिया की प्रकोप से 12 बच्चे बीमार हो गए। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल जिले के परसा गांव में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला है। करीब 12 बच्चे बीमार हो गए। वहीं संक्रमित बच्चों को मदनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों ने स्कूल के मध्याह्न भोजन पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल में बने भोजन को खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। स्कूल में बच्चों को जो भी खाना दिया जा रहा है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। पढ़ते हैं कि का दिक्कत हो रही, पानी में आई कि अनाज में आई, का कल भी आई, आदमी बच्चे लोग के का पता है। आदमी पढ़े जाते पढ़ते पढ़ते घर पर आ ले, घर पर आ ले, घर पर उल्टे दिशा रहते से सब मनोरोग आदमी जो ठीक पढ़ सके आदमी सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हो ली। तो रहते रहते मनो आदमी लेके दौड़ चुक लाती जरा जैसे हो ले से ऐसे तो मतलब मिला जुला के पार्स के 10 गो होती है। तब का हुआ नहीं हुआ, स्कूल गया अब का कह। का नाम है? मंजू देवी। कहाँ घर है? वहीं डॉक्टर जय कुमार ने कहा कि परसा एवं सदोसराय के फिलहाल 9 बच्चे स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पास कुछ बच्चे करीब 8 से 10 आए हैं और उन सारे बच्चे को उल्टी और दस्त हो रहे हैं और काफ़ी गंभीर स्थिति में बच्चे की स्थिति है। सीवियर डिहाइड्रेशन में है बच्चे। उन लोगों को जब पूछने पे पता चल रहा है कि वो लोग स्कूल में गए हैं, वहाँ पे खाने में या पानी पीने में संभावना लग रही है, जिसके वजह से इन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। क्योंकि ये पूरे एरिया को कवर किया है, सिर्फ उसी जगह से परसा और सद्दोसराय से बच्चे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं करीब 8 से 10 साल के बच्चे हैं, कुछ 5-6 साल के भी बच्चे हैं। तो इन लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसके वजह से वहाँ पर ये प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। आपका शुभ नाम? से मैं डॉक्टर कुमार जय, मैं CHC मदनपुर में मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। हालांकि इस महामारी की सूचना ग्रामीणों के द्वारा जिला स्वास्थ्य विभाग को भी दी गई है। मदनपुर के 2 गांव में डायरिया की प्रकोप बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में खौफ बना हुआ है कि कहीं महामारी विकराल रूप न धारण कर ले। औरंगाबाद से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।